हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही कमाल की मशीन जिसकी मदद से आप बिना हाथ गंदे किए हुए बड़ी अच्छी रोटियां बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं रोटीमैटिक, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसके अंदर आटा, ऑयल और पानी डालने के बाद यह मशीन सारी प्रोसेस खुद करती है और अच्छी पकी हुई रोटियाँ बनाकर देती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस मशीन के साथ एक कंटेनर दिया हुआ है, उसमें आटा भरना है। उसमें मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है, उसके ऊपर आटा को नहीं भरना है। अब इस कंटेनर को मशीन में जैसा कि इंडिकेटर दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में फिट कर देना है। दूसरे डब्बे में ऑयल डालकर फिट कर देना है और तीसरे डब्बे में पानी भरकर डाल देना है। अब हम देखते हैं कि यह मशीन कैसे ऑटोमेटिक रोटियां बनाकर हमें देती है। ये जो आप देख रहे हैं वो आटा गूंथने वाला हिस्सा है। यह पावर इनपुट है और यह प्लग सोर्स है। पावर सप्लाई करने के 5 मिनट बाद इस मशीन को ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आटा सेलेक्ट करना है, इसमें आप घरेलू आटा भी डाल सकते हैं। उसके बाद रोटियों की थिकनेस सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सेलेक्ट करनी है कि रोटियाँ कितनी पकी होनी चाहिए, यानी कि रोस्ट लेवल। उसके बाद ऑयल सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है रोटियों की क्वांटिटी कि एक बार में आप कितनी रोटियाँ बनाना चाहते हैं। उसके बाद मशीन ऑन कर दें। पहले 6 मिनट तो इसकी वार्मिंग अप टाइम है, यानी कि यह तवा गर्म होता है। उसके बाद यह अपने आप ऊपर दिए हुए डब्बे में से आटा ऑटोमेटिकली लेना शुरू कर देता है और उस आटे को गूंथ कर बॉल बना देता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे यह आटे को बॉल के रूप में ऑटोमेटिकली जगह पे लाकर प्रेस कर देता है और गोल रोटी बनाकर उसे सेक भी देता है और बाहर निकाल देता है। यह रोटियां बिल्कुल गोल और हाइजीनिक बनाता है। इसमें एक बार में मशीन स्टार्ट करने पर 10 रोटियां जल्दी जल्दी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट 10 रोटियों के लिए आपको फिर से सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटियां मुलायम हों तो इन्हें कपड़े में लपेटकर कैसरोल में रखकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, रोटियां मुलायम रहेंगी। और अगर आप इसे लंच के लिए पैक करना चाहते हैं तो अल्मीनियम फॉइल में कुछ इस तरह से पैक कर लें। उसके बाद मशीन को ऑफ करके रख दीजिए। इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। इसकी मदद से एक बच्चा या एक बुज़ुर्ग भी रोटियां बिल्कुल आसान तरीके से बना सकता है। इसके अंदर आटा रखने वाला जो कंटेनर है उसमें आप पहले से आटा भरकर रख सकते हैं, जिससे कि आप जब चाहें तब रोटियां बना सकते हैं। इसको क्लीन करना बहुत ही आसान है, बहुत इजीली तरीके से ये क्लीन अप हो जाता है। यह मार्केट में बहुत बिक रही है और दुनिया भर में इस मशीन की बहुत ही डिमांड है। दोस्तों, अगर आप बैचलर हैं या फिर जॉब के लिए बाहर रहते हैं, या फिर अगर आप कपल हैं और दोनों लोग वर्किंग हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट चॉइस हो सकती है। आप सेटिंग चेंज करके हर बार अलग अलग थिकनेस की रोटियां बना सकते हैं। इस मशीन के हेल्प से आप रोटियां तो बना ही सकते हैं, साथ में पूड़ी भी बना सकते हैं। इस मशीन की क्वालिटी और डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम है। यह मशीन आटा गूंथने से लेकर रोटियां बनाने तक सारा काम खुद करती है। फ्रेंड्स, इस मशीन की
हेल्प से आप रोटियां बनाने में बचे समय को दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। और इसके पके हुए रोटियों को आप खा सकते हैं और यह बिल्कुल हाइजेनिक होता है। ये बहुत फास्ट तरीके से रोटियों को बनाता है, आटा भी गूंथता है और साथ साथ में रोटियां भी देता है। इसे रेस्टोरेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। आजकल कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो सारे काम ऑटोमेटिक करती है, लेकिन ये मशीन ऐसी है जो आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने तक सारा काम ऑटोमेटिक करती है। बिल्कुल परफेक्टली तरीके से ये रोटियां बनाता है। इस मशीन के एसेसरीज या पार्ट्स को डिसमेंटल करना जितना इजी है उतना ही इजी उनको वॉश करना है और फिर उनको एडजस्ट करके उनके जगह पर बिठाना भी आसान है।